हेलो एवरीवन आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोडक्शन इंजीनियरिंग यानी कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का टॉप ट्वेंटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा जो कि आपके आगे आने वाले किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि डाई इलेक्ट्रिक इज़ यूज इन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग अल्ट्रासोनिक मशीनिंग इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग या लेजर मशीनिंग तो देखिए आपका जो डायइलक्ट्रिक यूज होता है वो किस में यूज होता है तो वो होता है आपका ई में ई का फुल फॉर्म क्या होता है तो ई डी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग अगर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक की जगह पर इलेक्ट्रोलाइट होता है तो इलेक्ट्रोलाइट जो है आपका किस में यूज होता है तो वो आपका ई यानी एम यानि कि इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में यूज़ होता है तो एग्जाम में क्वेश्चन जो है मैगजिमम आपका या तो ई से आता है या आपका ई से आता है अगले क्वेश्चन में चलते हम क्वेश्चन नंबर टू है कि द टाइप ऑफ रीमर यूज फॉर रीमिंग सॉफ्ट एल्यूमिनियम और कॉपर यानी कि अगर आपको सॉफ्ट एल्यूमिनियम और कॉपर में अगर आपको रीमिंग प्रोसेस करनी है तो आप कौन सा रीमर यूज़ करेंगे स्ट्रेट फ्लूटेड रीमर लेफ्ट हैंड स्पायरल फ्लूटेड रीमर या राइट हैंड स्पायरल फ्लूटेड रीमर या एनी वन ऑफ दिस तो टाइप ऑफ रीमर यूज फॉर रीमिंग सॉफ्ट एल्यूमिनियम और कॉपर के लिए हम लेफ्ट हैंड स्पायरल फ्लूटेड रीमर यूज़ करेंगे तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री में चलते हैं कि द टूल मटेरियल फॉर फास्टर मशीनिंग शुड हैव वियर रजिस्टेंस रेड हार्डनेस टफनेस या ऑल ऑफ दिस तो हमको फास्टर मशीनिंग चाहिए तो उसके लिए हमको टूल मटेरियल में क्या क्या होना चाहिए तो ये तीनों प्रॉपर्टी होना चाहिए यानी कि वो टफनेस में भी होना चाहिए और रेड हार्डनेस भी होनी चाहिए और वियर रजिस्टेंस भी होनी चाहिए तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर में चलते हैं कैन ओपन स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील इज़ यूज फॉर सॉफ्ट मटेरियल टफ मटेरियल डक्टाइल मटेरियल या ऑल ऑफ दिस तो देखिए जो स्ट्रक्चर होता है आपका दो टाइप का होता है एक आपका होता है ओपन स्ट्रक्चर और दूसरा होता है आपका क्लोज स्ट्रक्चर तो ओपन स्ट्रक्चर जो है आपका अलग अलग टाइप के मटेरियल में यूज़ होता है तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव में चलते हैं कि ट्विस्ट ड्रिल इज स्पेसिफाइड बाय इट्स शैंक मटेरियल डायमीटर शैंक लिप एंगल एंड साइज ऑफ फ्लूट मटेरियल लेंथ ऑफ बॉडी एंड हेलिक्स एंगल या एनी वन ऑफ दिस तो देखिए यहाँ पे एनी वन ऑफ दिस या ऑल ऑफ दिस देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है ट्विस्ट ड्रिल जो है वो आपका किससे स्पेसिफाई होता है तो वो स्पेसिफाई होता है आपका शाइंग मटेरियल एंड डायमीटर से तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स में चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है बहुत बार कि लो हेलिक्स एंगल ड्रिल आर परफेक्ट फॉर ड्रिलिंग होल्स या तो बोलता है कि मिनिमम हेलिक्स एंगल या लो हेलिक्स एंगल जो ड्रिल है, है वो किसके लिए ड्रिलिंग के लिए यूज किया जाता है प्लास्टिक के लिए कॉपर के लिए कास्ट स्टील के लिए या कार्बन स्टील के लिए तो लो हेलिक्स एंगल होता है वो आपका प्लास्टिक के लिए तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन में चलते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन द वर्क रिमेन्स स्टेशनरी एंड टूल इज रोटेट वर्टिकल बोरिंग मशीन हॉर्जेंटल बोरिंग मशीन प्रिसाशन बोरिंग मशीन या जिग बोरिंग मशीन तो देखिए बेसिकली आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वर्क पीस जो है वो आपका स्टेशनरी है मतलब यहाँ पे मान लीजिए अगर आपका वर्क पीस है तो ये आपका क्या है वर्क पीस आपका स्टेशनरी है फ़िक्स है नीचे साइड से फिक्स है और आपका जो टूल है वो आपका रोटेट हो रहा है मतलब टूल आपका बोरिंग टूल यहाँ पर रहेगा और ये आपका ऐसा रोटेट हो रहा है ओके तो ये वाला जो प्रोसेस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा तो वो कहलाएगा आपका हॉर्जेंटल बोरिंग मशीन तो बी इज अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर एट में चलते हैं कि द कटिंग स्पीड ऑफ अ ड्रिल डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ ड्रिल टाइप ऑफ मटेरियल टू बी ड्रिल क्वालिटी ऑफ सरफेस फिनिश डिजायर्ड या ऑल ऑफ दिस तो ऑल ऑफ दिस इज अ करेक्ट आंसर अगले क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन है कि द चैंपिंग इज इस एन इसेंशियल ऑपरेशन आफ्टर नर्लिंग रफ टर्निंग बोरिंग या थ्रेड कटिंग तो जो आपका चैम्फरिंग ऑपरेशन होता है वो किसके बाद में किया जाता है तो आपका थ्रेड कटिंग के बाद में चैम्फरिंग ऑपरेशन करते हैं तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर टेन में चलते हैं कि द ब्रोचिंग ऑपरेशन इन विच आइदर द वर्क और द टूल मूव्स अक्रॉस द अदर इज़ नोन एज पुल ब्रोचिंग पुश ब्रोचिंग सरफेस ब्रोचिंग या कंटिन्यूस ब्रोचिंग तो ऐसा ब्रोचिंग ऑपरेशन जो कि जिसमें कि आपका वर्क पीस भी रोटेट होता है और टूल भी रोटेट होता है दोनों एक दूसरे के अपोजिट में रोटेट होते हैं या वर्क करते हैं तो वो कहलाता है आपका सरफेस ब्रोचिंग तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है तो यू एस एम ये आपका नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस का एक प्रोसेस है वो इज़ बेस्ट सूटेड फॉर टूल स्टील सिंटेड कार्बाइड ग्लास या ऑल ऑफ दिस तो ये होता है आपका ऑल ऑफ दिस यानी कि ग्लास के लिए भी टूल स्टील के लिए भी और सिंटेड कार्बाइड टूल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्ल है कि फिफ्टी एम एम ड्रिलिंग मशीन मीनस दैट इट कैन बी ड्रिल अ होल ऑफ मैक्सिमम डायमीटर फिफ्टीन एम एम इन फिफ्टीन एम एम थिक प्लेट हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया फिफ्टीन एम एम स्क्वायर या नन ऑफ दिस तो देखिए कोई भी आपका फिफ्टीन एम एम का अगर ड्रिलिंग मशीन है तो वहाँ पर आपका फिफ्टीन एम एम का मतलब क्या है तो उसका मैक्सिमम डायमीटर जो है कितना रहेगा तो वो आपका फिफ्टीन एम एम रहेगा तो ए इज अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी में चलते हैं कि द टैप यूज फॉर कट थ्रेड इन अ ब्लाइंड होल यानी कि किसी भी ब्लाइंड होल में अगर आपको थ्रेडिंग करना है तो कौन सा टैप यूज़ करेंगे टेपर टैप सेकंड टैप बॉटमिंग टैप या नन ऑफ दिस तो ब्लाइंड होल में आपका क्या करना है टैपिंग करना है तो उसके लिए हम बॉटमिंग टैप का यूज़ करेंगे बॉटमिंग टैप में क्या होता है कि जो थ्रेड होता है वो फुल लेंथ में होता है ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और आपका जो सेकेंड टैप होता है उसमें आपका एट टू टेन थ्रेड होता है और आपका टेपर टैप ते, जो टेपर टैप तेप होता है उसमें कितना होता है तो उसमें आपका फोर टू सिक्स टाइप होता है अगले क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है कि मैंड्रल इज़ यूज टू होल्ड इसेंट्रिक वर्क हैवी वर्क थीन वर्क या नॉन ऑफ दिस तो मैंड्रल जो है वो क्या होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है तो वो आपका इसेंट्रिक वर्क के लिए भी नहीं होता हैवी वर्क के लिए भी नहीं होता थीन वर्क के लिए भी नहीं होता मतलब डी इज़ अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है कि डेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील इज़ यूज फॉर हार्ड मटेरियल ब्रिटिल मटेरियल फिनिशिंग कट या ऑल ऑफ दिस तो डेंस स्ट्रक्चर इससे पहले हम ओपन स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे वहाँ पे आपका जितने भी सॉफ्ट मटेरियल आता है वो आपका ओपन स्ट्रक्चर में और जितने भी हार्ड मटेरियल आता है वो आपका डेंस स्ट्रक्चर में कहलाता है तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में चलते हैं कि गियर्स कैन बी बेस्ट प्रोड्यूस ऑन मास प्रोडक्शन बाई शेपिंग कास्टिंग फॉर्मिंग या हॉबिंग तो देखिए जो गियर होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन में लार्ज प्रोडक्शन में कैसे प्रोड्यूस होता है तो वो होता है विद द हेल्प ऑफ हॉबिंग से तो डी इज अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन में चलते हैं कि इन अ इन अ प्लेन मिलिंग मशीन द टेबल कैन बी मूव्ड लॉन्गिट्यूडनली क्रॉस क्रॉस वाइज वर्टिकली या ऑल ऑफ दिस तो प्लेन मिलिंग मशीन में जो आपका टेबल होता है वो कैसे मूव होता है तो वो तीनों मोशन से होता है मतलब डी इज़ अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर एटीन में चलते हैं कि इन ड्रिलिंग ऑपरेशन द मेटल इज रिमूव बाई शेयरिंग एक्सट्रूजन शेयरिंग एंड एक्सट्रूजन या शेयरिंग एंड कंप्रेशन तो ड्रिलिंग मशीन में जो आपका मेटल जो रिमूव होता है वो होता है आपका शेयरिंग एंड एक्सट्रूजन से तो सी इज अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है काफी अच्छा क्वेश्चन है कि सिंगल पॉइंट टूल हैज़ रेक एंगल क्लियर कटिंग एंगल लीप एंगल या ऑल ऑफ दिस तो सिंगल पॉइंट टूल में जो है वो सारा तरह का एंगल होता है मतलब डी इज़ आ करेक्ट आंसर यहाँ पे लिप एंगल कितना होता है तो वो होता है सिक्सटी टू एटी डिग्री ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको लिख दिया है अगले क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है कि इन हॉट मशीनिंग द वर्क इज हीटेड बाई सिंपल हीटिंग फ्लेम हीटिंग इंडक्शन हीटिंग या एनी वन ऑफ दिस तो राइट right आंसर क्या होगा ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करिए शेयर करिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले